अजमेर दक्षिण विधायक अनिता बदेल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राजस्थान सरकार द्वारा कम समय में किए गए अनेक कार्यों के बारे में जानकारी दी। बदेल ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में गैस पर 100 रुपये कम किए गए। इसके अलावा पेपर लीक प्रकरण मामले से जुड़े हुए व्यक्तियों को तलाश कर जेल में पहुँचाया जा रहा है। बदेल ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा वैट में कटौती कर पेट्रोल डीजल के दाम कम करते हुए आम जनता को राहत पहुँचाई गई है। साथ ही राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। राहतें देने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ERCP जो पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था उसको समाधान तक पहुंचाया, और उसके बाद में महिलाओं को किस तरह से महंगाई से राहत मिल सके उस नाते से 450 रुपये का गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस धारकों को मिलने प्रारंभ हुआ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में 100 रुपये कम किए गए गैस के सिलेंडर पर, अब 2% वैट पेट्रोल और डीजल पर कम करके पूरे प्रदेश को महंगाई से राहत दिलाने का जो काम किया उसके लिए हम सबसे पहले माननीय CM साहब का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय CM साहब ने महंगाई कम करने के लिए ही काम नहीं किया, आने वाली गर्मियों को देखते हुए हमारे जनता को कैसे पेयजल उपलब्ध हो सके उस क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम हुए। अमृत 2 की सेंक्शन हुई, ERCP का काम हुआ, देवास योजना का काम हुआ, मध्य प्रदेश सरकार से समझौता हुआ, बहुत सारे काम जो वर्षों से लंबित पड़े थे उनको पूरा किया गया। हमारे पेपर लीक माफिया पर कैसे कंट्रोल पाया जा सके, SIT का गठन हुआ, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर लीक के अपराधी छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, उनको कहीं बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा है और सरकार एक एक को पकड़ के जेल के अंदर डाल रही है। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि रोमियो स्क्वाड बनाया गया है जिससे मलचलों पर काबू पाया जा सके। हमारे साइबर क्राइम जितने होते थे उन साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए किस तरह से उच्च टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए उसकी ओर सरकार एक कदम आगे बढ़ाई है। किसानों की फसल का उचित मुआवजा मिले उसके नाते से बोनस की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैसे लाभ दिया जा सके उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रदेश को महंगाई से राहत देते हुए हम युवाओं को कैसे विश्वास उनका जम पाए कि अब जो भी परीक्षा होगी उस परीक्षा में बिना किसी नकल के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शिता से परीक्षाओं का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी की हमारी राजस्थान की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए उन वादों को पूरा करने का काम, और जिस प्रकार से हमने उन कामों की गारंटी ली थी उस गारंटी को पूरा करने का काम लगातार राजस्थान सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के कैबिनेट में जो निर्णय हुआ, और बहुप्रतीक्षित यह निर्णय था कि पेट्रोल और डीजल की जो दरों के अंदर कमी लाने का जो एक वायदा हमने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा करते हुए 2% जो वैट कम किया है, निश्चित रूप से जनता को और हमारे इस राजस्थान के उद्यमी व्यापारियों को बहुत बड़ी एक राहत प्रदान की गई है। साथ ही जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एक होली की अग्रिम सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को दी, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बात करें तो महिलाओं के सम्मान की, तो महिलाओं के सम्मान को लगातार बढ़ने का जिस प्रकार बढ़ाने का काम किया है, फिर चाहे जिस प्रकार से महिलाओं के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर हेल्प डेस्क की रचना की व्यवस्था की गई हो, साथ ही जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शन को 450 रुपये के अंदर प्रति सिलेंडर देने का वायदा किया था उसको पूरा करने का काम किया गया हो, या हमारे इस प्रदेश की जो मरुभूमि कहलाता है इसके अंदर जल संकट को खत्म करने के लिए जो बहुत ही मील का पत्थर जिस योजना को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर करके MOU किया है और बहुत जल्दी वो क्रियान्वित होने वाली है, ऐसी ERCP योजना, हमारे यमुना जल समझौता, इन सब के माध्यम से लगातार प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने का काम
हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और कल जो पेट्रोल और डीजल की दरों में जिस प्रकार से कमी की गई है, जनता ने बहुत ही हर्ष भरे भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद आभार व्यक्त किया है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।